हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जो बेबस और मजबूर महिलाओं और बच्चों की जिंदगी संवारने के काम में जी जान से जुटी है, और इसकी वजह से कई बार उन्हें अपने परिवार के लिए भी वक्त कम पड़ जाता है, लेकिन उनके इरादे और हौसले कभी कमजोर नहीं पड़ते। यह है अमिंदर प्रीत, जिनके इस नायाब मिशन में हाथ बटाते हैं उनके आईपीएस पति भीष्म सिंह, जिन्हें दिल्ली पुलिस में एक तेज तर्रार अधिकारी के तौर पर जाना जाता है, जो पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री उत्कृष्ट सेवा पदक हासिल कर चुके हैं। महिला सशक्तिकरण के अमिंदर प्रीत के मिशन में कई लोग साथ आए और 2007 में शुरू हुई संस्था वाउज यानी विजन फॉर ओएसिस वेव्स सोसाइटी देखते ही देखते समाज के गरीब और कमजोर तबके के साथ साथ घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और इंसाफ दिलाने का एक बड़ा जरिया बन गई। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे कि वाउज ने इन महिलाओं को ट्रेनिंग देकर उनके काम में उन्हें इतना माहिर कर दिया कि उनके द्वारा बनाए गए कपड़ों का 2018 में ONGC की भागीदारी में माहिरी नाम से एक ब्रांड ही लॉन्च कर दिया गया, और इसके टैग लाइन की तरह वो आसमान छूने लगी। इन कपड़ों की मशहूर मॉडल्स और बॉलीवुड स्टार्स ने भी काफी तारीफ की, जिनमें से 2014 की फेमिना मिस इंडिया कोयल राणा ने तो माहिरी के आउटफिट में रैंप वॉक भी किया। कपड़े सिलने वाली महिलाओं में से भी कई तो खुद भी रैंप वॉक में शामिल हुई। कैसे इन अंडर प्रिविलेज्ड महिलाओं और बच्चियों ने सपने देखना और उन्हें पूरा करना शुरू किया, और कैसे शुरू हुई वाउज की कहानी, आइए सुनते हैं अमिंदर प्रीत से। कभी कभी एक कोई भी छोटा सा क्षण या कोई छोटी सी घटना आपको आपकी जिंदगी में एक ऐसे मोड़ की तरफ ले जाती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। मैंने 5-6 साल तक एज अ टीचर वर्क किया एंड आई वॉज हैप्पी देयर, बट मेरी समाज के प्रति कुछ करने की जो प्रेरणा मुझे मेरे घर से मिली, जब मेरी जो घर में काम करने वाली मेड थी, पार्ट टाइमर मेड, मैंने वो हर दिन आकर अपने हस्बैंड की कंप्लेंट्स करती थी। उसका हस्बैंड पीकर उसे मारता पीटता था, इवन उसके बच्चों का मोलेस्टेशन तक किया। तो मैंने पर्सनल लेवल पर जाकर उसे बहुत हेल्प किया, उसे जस्टिस दिलाने में बहुत मदद की। उसकी जो दुआएं मुझे मिली वो कहीं ना कहीं मेरे दिल को छू गई, जिससे मैंने यह ठान लिया कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है। लेकिन बीइंग अ मैरिड वीमेन, मेरे दो बच्चे हैं, उसमें मैं जॉब भी करती थी जिसमें कि बहुत टाइम कंज्यूम होता था, तो मैं बेसिकली जो मेरे दिल से जुड़े हुए काम, जो मैं लोगों की भलाई के लिए करना चाहती थी, उसके लिए समय नहीं निकाल पा रही थी। तो फाइनली मैंने एक दिन डिसीजन लिया कि मुझे एज अ टीचर अपना प्रोफेशन छोड़ना होगा। मतलब ऑल दो ये डिसीजन बहुत एब्रप्टली लिया गया था और मेरा उस समय मिक्स्ड रिएक्शन भी था, लेकिन फिर भी मैंने ये डिसीजन लिया क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कहीं ना कहीं इस प्रोफेशन में हैप्पीनेस नहीं मिल रही थी, कंटेंटमेंट नहीं थी। ऐसे ही एक और केस मैं आपसे साझा करना चाहूँगी। उस लड़की का नाम भारती है और उसकी बहुत ही यंग एज में मैरिज हो गई। उसका हस्बैंड उसे एक दिन की मैरिज में ही छोड़कर चला गया, अब्रॉड चला गया, और आज तक उस लड़की को कोई जस्टिस नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे ही मेरे यहाँ काम करती थी एज अ पार्ट टाइमर, और मैंने ये फील किया कि उसे यही नहीं पता था कि वो अपनी न्याय की लड़ाई कहाँ से शुरू करे। उसने बहुत सारे वकीलों से मिली, बहुत पैसा खर्च किया, जबकि फाइनेंशियली वो बहुत ज़्यादा वीक थी। तो मुझे इस तरीके के कुछ केसेस मेरे सामने आए जिससे मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे कि मैं किसी के चेहरे पर हैप्पीनेस देख सकूँ। मेरी ये जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई थी बेसिकली। उसके बाद 2007 में हमने विजन फॉर ओएसिस वेव सोसाइटी अपना एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया। हम लोग बेसिकली चिल्ड्रन और विमेन के लिए वर्क करते हैं, जहाँ पे जैसे विमेन है, डोमेस्टिक वायलेंस है, हमारा एक लीगल एड सेंटर भी हमने खोला है द्वारका में।
जहाँ ऐसी हमारे समाज में बहुत सी महिलाएं हैं जिन्हें ये जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं या मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं, जो टोटली लॉस्ट हैं, उन्हें यही नहीं पता कि हाउ टू प्रोसीड टू गेट जस्टिस। तो यहाँ हमारे लॉयर्स की टीम है जो कि जो लेडीज़ आकर हमसे अपनी प्रॉब्लम साझा करती हैं, हमारे उसके लिए ऑनलाइन फैसिलिटीज़ भी हैं, तो उनको प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है कि किस तरह से वे अपने न्याय के लिए लड़ सकती हैं। इसी तरह चाइल्ड लेबर है, इवन छोटे बच्चों की स्किल डेवलपमेंट के लिए भी हम प्रोग्राम्स करते रहते हैं। इवन अंडर प्रिविलेज वीमेन के लिए हमने एक माहिरी ब्रांड लॉन्च किया था, जिसमें हमने ही उन लेडीज़ को ट्रेनिंग दिलाई थी। उनको 6 मंथ्स की ट्रेनिंग के बाद नाउ दे आर ट्रेंड, वो अपने गारमेंट्स को क्रिएट करती हैं और उन्हीं का ही जो गारमेंट्स हैं वो माहिरी ब्रांड के अंडर सेल किया जाता है, और जिससे इन लेडीज़ में एक खुशी की लहर साफ नज़र आती है, क्योंकि वो अब डिपेंडेंट नहीं है, वो सेल्फ डिपेंडेंट है, अब वो अपने परिवार का खर्चा खुद चला सकती हैं। बेसिकली ये जो अंडर प्रिविलेज वीमेन है, ये पहले अपने घर में छोटे मोटा कोई बुटीक तो नहीं कह सकते, छोटा मोटा ऐसे ही कुछ सिलाई करके हफ्ते के मुश्किल से इतनी मेहनत करने के बाद भी 200-400 रुपए ही कमा पाते थे, क्योंकि उनके पास प्रॉपर क्लाइंट्स नहीं थे, उन्हें ये आइडिया नहीं था कि किस तरह से वो अपने टैलेंट को लेके आगे बढ़ें, उसे अपने परिवार की अर्निंग का सोर्स बना सकते हैं। तो माहिरी ब्रांड एक ऐसा ब्रांड है जिसमें उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिला है, जिसमें उनके द्वारा उन्हें डिज़ाइनर की गाइडेंस के द्वारा वो अपने कपड़ों को बनाती हैं, अपने प्रोडक्ट को तैयार करती हैं, और माहिरी जो ब्रांड है वो उन्हें एक प्लेटफॉर्म देता है, बेसिकली बिजनेस देता है। उनको अब अपने क्लाइंट्स को घर घर जाकर ढूंढना नहीं पड़ता, अब उनका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में अप्रिशिएट हो रहा है, तो इससे उन्हें एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलती है, और उनको समय समय पर उनकी स्किल्स को अपडेट करने के लिए ट्रेनिंग्स भी दी जाती हैं, और इतना ही नहीं ब्यूटी कल्चर के भी ट्रेनिंग्स इन्हें दी जा रही हैं, और उससे भी वे एक अच्छा बिजनेस कर पा रही हैं। माहिरी ब्रांड लॉन्च करने के लिए हमने उनको बेसिकली शुरुआत में हम थोड़ा सा कंफ्यूज थे कि किस तरह से हम इस ब्रांड को लॉन्च करें, मतलब हाउ टू प्रोसीड विद दिस, बट फिर भी हमने ठाना और काफ़ी बड़े स्केल पर इस ब्रांड को लॉन्च किया, और उसमें सबसे अच्छी बात ये लगी कि इन्हीं महिलाओं में से कुछ बच्चियों ने और महिलाओं ने प्रॉपर अपने गारमेंट्स को, अपने आउटफिट्स को खुद कैरी करके एकदम प्रोफेशनल स्टाइल में, ऑल्दो उनकी इसके लिए कुछ ग्रूमिंग भी की गई थी ऑलमोस्ट फॉर अ वीक, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस किया, और जो कि एक प्रॉपर फैशन शो का रूप लेकर सामने आया, और उसे बहुत अप्रिसिएशन भी मिली, और उनका कॉन्फिडेंस और उनकी खुशी देखते ही बनती थी। आज भी उनकी जो आँखों की खुशी है वो रोंगटे खड़े कर देती है, अगर उसके बारे में सोचा जाए कि उन महिलाओं ने, और सबसे मेन चीज़ ये है कि महिलाएं अपने स्किल्स को लेकर, बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनमें बहुत सारे इनबिल्ट स्किल्स होती हैं, लेकिन प्रॉपर प्लेटफॉर्म ना मिलने की वजह से वो समाज के सामने नहीं आ पाती, तो इस तरीके से इन महिलाओं को सेल्फ डिपेंडेंट बनाकर आज ऐसा लगता है कि वाकई में ही कुछ काम किया है। हमारा एक वेबसाइट है, और वो उस वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट नंबर मैंशनड हैं, जिससे वो हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकती है, वो चाहे वो हमारा स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहे, या उसे कोई भी पर्सनल समस्या हो, तो इस तरह से कोई भी बच्चा, कोई भी बुजुर्ग, कोई भी महिला वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यही नहीं, अमिंदर प्रीत दिल्ली पुलिस फैमिली वेलफेयर सोसाइटी में भी बढ़ चढ़ कर योगदान करती हैं और जरूरतमंद महिलाओं की हर मुमकिन मदद करती हैं। हमारा एक एसोसिएशन है पुलिस फैमिलीज वेलफेयर सोसाइटी, जिसे मैंने ऑलमोस्ट 4 ईयर्स बैक ज्वाइन किया,
और उसमें हमारे 9 वेलफेयर सेंटर्स हैं और उन सेंटर्स हर सेंटर का एक एक टीम लीडर है जो कि दानिप्स और आईपीएस ऑफिसर्स की वाइफ्स ही हैं। हमने जब शुरू में इस मिशन को लिया तो हमने सभी कॉलोनीज को विजिट किया। जैसे कि हम सभी जानते हैं जो पुलिस फ्रेटर्निटी है उसमें हमारे हस्बैंड्स हैं, कलीग्स के हस्बैंड्स हैं, वो सभी बहुत ही बिजी स्केड्यूल उनका होता है। और स्पेशली जो जैसे कांस्टेबल्स हैं, हेड कांस्टेबल्स हैं, इसमें जो ये लोग ज़्यादातर ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं तो इनकी जो वाइफ्स हैं वो और ये अपनी फैमिलीज को टाइम भी नहीं दे सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक स्केड्यूल्स इनके होते हैं। और उसमें होता क्या है कि दिल्ली में आकर जॉब करने के लिए उन्होंने अपनी फैमिलीज को यहाँ पे शिफ्ट तो कर दिया है बट दिल्ली के एडवांस माहौल के साथ वो अपने आप को थोड़ा सा लॉस्ट फील करती थी। जब हमने ग्राउंड लेवल पर जाकर प्रॉपर रियलिटी चेक किया कि व्हाट ऑल इज़ रिक्वायर्ड, हमें क्या करना चाहिए, एग्जैक्टली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है पुलिस फैमिलीज वेलफेयर सोसाइटी का, तो हमने मतलब अलग अलग ये जो 9 वेलफेयर सेंटर्स को ओपन करने से पहले पूरा प्रॉपर फील्ड वर्क किया। वहाँ हमने फील किया कि जो कांस्टेबल्स की जो वाइफ्स हैं जो कि रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं, उनके बच्चे जो हैं वो मतलब अपनी मदर्स को स्कूल ले जाने में पीटीएम के लिए बहुत ही इनकॉन्फिडेंट रहते हैं। तो उन लेडीज़ का ये कंसर्न आया कि मैम हमें मतलब यही नहीं पता जाके पीटीएम में बात कैसे करें और हस्बैंड्स के पास हमारे टाइम नहीं है। तो इस तरीके के कुछ इश्यूज सामने आए और जैसे ये भी डिसाइड किया कि जब हम पुलिस फ्रेटर्निटी से बिलोंग करते हैं तो क्यों ना हम अपनी गर्ल्स को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग्स दें जिससे कि वो मतलब समाज में बिंदास होके घूम सकें। बहुत सारी विमेन ऐसी हैं जो कि मतलब कुकिंग में ऑलरेडी बहुत अच्छी हैं, उसमें हमने कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से उनको फूड प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग, पिकल मेकिंग, ब्यूटी पार्लर, कटिंग, स्टिचिंग, बहुत सारे और ट्रेनिंग्स दिलाए। और सबसे जो बेस्ट हमें आउटपुट देखने को मिला कि हमारी पुलिस फ्रेटर्निटी की जो महिलाएं अपने आप को बड़ा लेस कॉन्फिडेंट फील करती थी कि उनके बच्चे उनको इग्नोर करते हैं और पीटीएम्स में नहीं लेके जाते, तो उनके लिए हमने कम्युनिकेशन स्किल उनका करने के लिए कुछ कोर्सेज कराए जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ इंग्लिश के प्रोफेसर्स ने हमें बहुत मदद किया और उनको सेल्फ ग्रूमिंग क्लासेस दी गई। उनके प्रोडक्ट्स को के लिए हमने छोटी छोटी कुछ बेसिकली स्टॉल्स अलग अलग जगह पे लगाई हुई हैं जहाँ पे उनको भी एक अपने टैलेंट को शोकेस करने के साथ साथ उनको एक अर्निंग भी आती रहती है। तो ये इस तरह से इवन हम लोग ये सब वेलफेयर के काम के साथ साथ मिलके खूब एंजॉय भी करते थे। हमने खुद भी मतलब कई डांस परफॉर्मेंसेस, कई प्रोग्राम्स अपने उन लेडीज़ के साथ मिलके किए जिससे हमारा आपस में बॉन्डिंग भी हुआ। और जहाँ हमारे हस्बैंड्स के पास टाइम की कमी है वहाँ हमें इंटरेक्शन करने का पूरा मौका मिला, एक दूसरे को जानने का पूरा मौका मिला। जब देश कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा हो तो लोगों को किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए और अस्पतालों और डॉक्टरों से कैसी अपेक्षा की जाती है, कैसे रोल मॉडल होने चाहिए, अमिंदर जी ने अपने खास अनुभव हमसे साझा किए। हमने देखा कि बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, बच्चों को और इवन लोगों को जो कि डेली रोजमर्रा वेजिस पे जिनका घर परिवार चल रहा था उनकी नौकरियां चली गई, बहुत लोग भूखे मर रहे थे और लोगों को अपने घर जाने के लिए ऑल ऑफ अ सडन लॉकडाउन हो गया, अपने घर जाने के लिए उन्हें कोई वाहन नहीं मिल रहे थे। तो उस दौरान हमने स्टेप बाय स्टेप मतलब सोसाइटी के लिए ज़रूरतमंद लोगों को हेल्प करने के लिए बहुत सी चीज़ें की, जैसे फूड प्रोवाइड कराया और बहुत सी बसेस अरेंज की जिसमें हमें एमजे फाउंडेशन की तरफ से फंड्स के लिए काफ़ी हेल्प मिली। तो बहुत सारे प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने में मदद की गई। और इतना ही नहीं, बीच बीच में जाकर हमने मदनपुर खादर जैसे जो झुग्गी क्लस्टर के एरियाज़ हैं
वहाँ पर कुछ काउंसलिंग सेशन किए जिसमें कि कुछ सिलेक्टिव लेडीज को या सिलेक्टिव लोगों को ही बुलाया गया, जिन्हें बोला गया कि वो छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर किस तरह से सेल्फ हाइजीन का ध्यान रख सकते हैं, और मास्क का हमारी ही लेडीज ने खूब सारे मास्क प्रोड्यूस किए और फ्री ऑफ कॉस्ट मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। कोविड एक ऐसा वायरस है जो कि हम सब जानते हैं कि बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। सब मतलब हर बंदा, हर एक इंसान उससे बड़ी बुरी तरह से डरा हुआ है, जबकि मैंने ये फील किया कि ये उतना भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन नहीं है, क्योंकि मेरी डॉक्टर से पिछले चार पाँच, उसमें हमारे MJ फाउंडेशन ग्रुप में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, ऑलमोस्ट 200 प्लस डॉक्टर्स की स्ट्रेंथ है उसमें। मतलब उनके पूरे वो अपनी नई नई रिसर्चेस, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स और अपने एक्सपीरियंसेस जो डॉक्टर्स के होते हैं कि मैंने फलाने पेशेंट के साथ, मतलब वो पूरी केस हिस्ट्री जो डॉक्टर्स की हैं वो उस पर शेयर करते हैं। तो उन सारे चीज़ों से जो मैंने गैदर किया ना, अब मैं वो आपको बताती हूँ। कोविड एक वायरस है जो कि शुरू के 5 दिन तक मल्टीप्लाई होता है, जैसे वो हमारी बॉडी में गया तो वो मल्टीप्लाई होता है। तो जिस दिन हमें जैसे फीवर आया और फीवर से हम जाके हमने टेस्ट लिया और टेस्ट के बाद रिजल्ट आया, तो हमें इसमें बेसिकली जो पूरा खेल है ना वो डेज का है, हम किस दिन इन्फेक्टेड हुए थे। जैसे जिस दिन हम फीवर आया हमें, हम उसमें 2 दिन और प्लस कर लें तब से हम उसको, जैसे सपोज आपको आज फीवर आया, आपने कल कोविड का सैंपल दिया, राइट? तो जिस दिन आपको फीवर आया है उसमें आप 2 दिन और प्लस करके अपने डेज काउंट करना शुरू कर दें कि मैं उस डे से इन्फेक्टेड हूँ, राइट? तो शुरू के 5 डेज आपको मतलब मल्टीप्लिकेशन होता जाएगा वायरस का। उसमें करना क्या है, वही हम जिंकोविट खाएंगे, विटामिन सी खाएंगे, विटामिन डी खाएंगे, और मतलब पैरासीटामोल SOS वो खाएंगे, और 3 बार हम स्टीम लेंगे। स्टीम के लिए आप यूकेलिप्टिस के जो नेचुरल लीव्स हैं वो उसमें अपना स्टीमर में डाल के उसको इनहेल कर सकते हैं। बीटाडीन गार्गल्स करेंगे। ये मतलब एक नॉर्मल रेजीम है जो कि हम सब लोग घर में बैठ के कर सकते हैं। अब जो मेन इसमें मतलब जो मेन चीज़ हम सबको पता होनी चाहिए वो ये है कि शुरू के 5 दिन जो वायरस मल्टीप्लाई होता है उसमें ये मेडिसिन आपने खा ली, और इसमें जो 6th डे होता है, 6th डे में अगर अचानक हाई फीवर आने लगे और ऐसे लगे कि हर 6 घंटे बाद पैरासीटामोल खाते खाते भी आपको मतलब फीवर डाउन नहीं आ रहा, फिर चढ़ रहा है 4-5 घंटे बाद फिर चढ़ रहा है, तो उस टाइम मतलब एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है, जहाँ कि अगर हम उस 6th डे पे HRCT करा लें, मतलब अपने लंग्स का CT स्कैन करा लें, उसको ना उसका एक स्केल होता है, स्कोर होता है, जो कि कुछ लैब्स 25 में से स्केल देती हैं और कुछ लैब्स 40 में से स्केल देती हैं। जैसे मान लो आपका मतलब 10 out of 25 है या 15 out of 40 है, वो इस चीज़ को बताएगा कि आपके लंग्स का इन्फेक्शन कितना है। अगर मैं एज अ लेमैन आपको बताऊं, इट इज़ लाइक अ फायर, जो कि हमारे लंग्स में जो कोविड ने फायर जनरेट कर दी, जो आग जनरेट कर दी, वो उस चीज़ को इंडिकेट करता है HRCT स्कोर। तो HRCT इस वाले जो बेसिकली इसको, ये एक स्टॉर्म है जिसे साइकोटाइन स्टॉर्म कहते हैं। उस स्टॉर्म के टाइम पे एक मेड्रोल स्टीरॉयड होता है जो कि बहुत ही पुराना स्टीरॉयड है, और मतलब पुरानी मेडिसिन है जो कि पहले से दी जाती आ रही है और बहुत ही इजीली अवेलेबल है, और सबसे मेन चीज़ बहुत ही सस्ती है, हर कोई उसे आसानी से अफोर्ड कर सकता है। तो अगर आपका HRCT स्कोर ज़्यादा आता है तो आप डॉक्टर की सलाह से इसे डेक्सामेथासोन स्टीरॉयड भी कहते हैं और मेड्रोल भी कहते हैं, मतलब इसको आपको खाना होगा डॉक्टर की सलाह से। और इसमें जो सबसे Catch-22 सिचुएशन ये है कि स्टीरॉयड का डोज, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा फील किया कि कुछ हॉस्पिटल्स में उसका डोसेज कम दिया जा रहा है वो, और जो मेन खेल है वो एप्रोप्रिएट डोज का है। जैसे बेसिकली अगर हम सपोज अगर कहीं आग लग गई है, अब आपको ये डिसाइड करना है कि उस आग को आपको फायर ब्रिगेड से बुझाना है या बकेट से बुझाना है, तो स्टीरॉयड की एप्रोप्रिएट डोज इज बेसिकली फायर ब्रिगेड,
और उसकी इनएप्रोप्रिएट जो डोज है वो बकेट है, राइट। तो हमें मतलब एप्रोप्रिएट डोज ऑफ स्टीरॉयड स्टार्ट करनी है 6 डे से, अगर आपका एचआरसीटी स्केल ज़्यादा आता है, ठीक है। इसमें कुछ और टेस्ट जैसे सीबीसी और ये सब तो नॉर्मल टेस्ट हैं जिसे हम सभी जानते हैं। इसमें एक IL-6 टेस्ट होता है, एक डी डायमर टेस्ट होता है। IL-6 जो है, मैं उसे आपको बताना चाहूँगी कि IL-6 बिकॉज दिस इज़ अ न्यू टेस्ट फॉर ऑल ऑफ अस। IL-6 जो है वो हमारे लंग्स में जो फायर है उसको बताता है कि वो, जैसे HRCT का स्केल हमें लंग्स फायर बताता है, ऐसे ही IL-6 टेस्ट का जो हमारा रिजल्ट है वो हमें बताएगा कि हम मतलब कि फायर जो है उसकी इंटेंसिटी क्या है। और जो डी डाइमर है, जैसे सपोज अगर हम कहीं आग लगाते हैं, उस आग के बाद जो कोयला बचता है ना, जमीन पे सपोज आग लगाई और उसका कोयला होता है, डी डाइमर जो हमारा IL-6 है वो फायर है और जो डी डाइमर है वो कोयला है। बेसिकली ये हमारे जो ब्लड है उसको थिक कर देता है डी डाइमर, ठीक है। हमें उसके लिए ब्लड थिनर्स की ज़रूरत पड़ती है और ये इस बात का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमें IL-6 और डी डाइमर दोनों को मॉनिटर ज़रूर करते रहना है। कुछ टेस्ट और भी हैं जिनका पूरा पैनल है, वो हमें कराने होंगे। और हमें जो सबसे मेन चीज़ है कि मेड्रोल जो स्टेरॉयड है उसकी एप्रोप्रिएट डोज, और सबसे ज़रूरी जो ध्यान में रखने लायक बात वो ये है कि हमें मेड्रोल की डोज को टेपर ऑफ बड़ा इंटेलिजेंटली करना है, क्योंकि स्टीरॉयड की डोज को आप ऑल ऑफ अ सडन टेपर ऑफ नहीं कर सकते। और एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी जो मेरी मदर के साथ मैंने एक्सपीरियंस देखा है। आप ये देखिए, ज़्यादातर लोगों का एक ये जो धारणा है ना कि हम जो स्टीरॉयड हैं वो नहीं लेंगे, स्टीरॉयड का ये साइड इफेक्ट होता है, इससे बोन डेंसिटी वीक हो जाती है, बट एट द सेम टाइम जो चीज़ हमें हमेशा ध्यान में रखनी है यहाँ पे, वो स्टीरॉयड की डोज इतना डैमेज नहीं करेगी जितना कि जो लंग्स में जो फायर है वो आपको डैमेज कर देगी। कोविड में सबसे ज़्यादा एक चीज़ जो सामने मैंने देखी है अपने पिछले 6-8 महीने से जो केसेस मैं देख रही हूँ, डॉक्टर्स की टीम के साथ जुड़ के जो चीज़ों को मैंने बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया है, वो ये है कि कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो 14 डेज़ के बाद, क्योंकि 14 डेज का पूरा साइकिल है, उसके बाद मतलब आप कुछ दिनों बाद कोविड नेगेटिव भी आ जाओगे, बट कोविड नेगेटिव होने का ये सर्टिफिकेशन नहीं है कि आप मतलब नाउ यू आर इन सेफ जोन। जो हमें पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट लेना है उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो लंग्स हैं अगर हमने उनको प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया तो वो फाइब्रोसिस में कन्वर्ट होगा। बेसिकली मतलब एज अ लेमैन आई कैन अंडरस्टैंड कि फाइब्रोसिस वी कैन से इज लाइक अ फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर, वी कैन से इट, राइट। तो हमें बेसिकली पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट का बहुत ध्यान रखना है। मैंने अपनी मदर के केस में ये देखा कि जो कि सिर्फ एक किडनी पे सर्वाइव कर रही हैं, वो भी 50% वर्किंग है, उन्होंने मेड्रोल या डेक्सामेथासोन जो स्टीरोइड है, क्योंकि उनका डी डाइमर बढ़ा हुआ था, IL-6 बढ़ा हुआ था और HRCT जो स्केल था वो भी उनका 15 था, तो 27 डेज़ तक उन्होंने इस स्टीरॉयड का इस्तेमाल किया और उनकी लंग्स जो हैं वो परफेक्टली ऑल राइट हैं। और हमें ये चीज़ देखनी है कि अगर हमने जो हमारा HRCT स्केल को ज़ीरो नहीं किया, वो मतलब हमें माइनस में स्टेटस चाहिए, तभी हमारी लंग्स जो हैं वो फ्यूचर में एप्रोप्रिएट मैनर में वर्क करेंगी, तभी ठीक रहेंगी। नहीं तो ये छोटी सी फायर जो है ना वो अंदर ही अंदर हमें बेसिकली टर्मोइट की तरह खाती रहेगी और हमें मतलब बाहर से हम सिर्फ ये सोचेंगे कि कोविड ने हमें वीकनेस दे दी, मतलब माइट भी हम 2 मंथ्स के बाद रिकवर कर लेंगे, क्योंकि ये मतलब एक सोसाइटी में ये चीज़ हम सभी डिस्कस कर रहे हैं कि कोविड से जो वीकनेस आ रहा है उसमें रिकवरी में टाइम लगता है। बट मैं इस तरीके के बहुत सारे केसेस देख चुकी हूँ जिसमें मतलब ब्रेन तक पे इम्पैक्ट आ रहा है, मतलब लोगों की स्पीच पे इम्पैक्ट आ रहा है, और लंग्स पे तो मेन हम सब जानते ही हैं कि कोविड लंग्स पे ही अटैक करता है। तो हमें IL-6, डी डाइमर और HRCT इन 3 बेसिक टेस्ट को ज़रूर करना है। और अगर किसी को मतलब ये लग रहा है ना कि मैंने जैसे 6th डे बोला है, अगर किसी को लग रहा है कि शुरू में ही बहुत तेज़ फीवर आ रहा है, तो ये हो सकता है कि हमसे डे काउंटिंग में मिस्टेक हुई हो,
कि हमें फीवर लेट आया और उससे पहले हम इन्फेक्टेड थे, मतलब लेकिन हाई फीवर जो है जिस भी दिन आए हमें उसी दिन ही HRCT करा लेना चाहिए। और बाकी मतलब स्टीम इन्हेलेशन और ये सब चीज़ें, लिक्विड्स बहुत ज़्यादा लेने चाहिए और विटामिन डी और कैल्शियम जो है मतलब वो थोड़ा लंबे टाइम तक हमें लेना चाहिए। अगर हर एक इंसान अपनी सोसाइटी के प्रति जिम्मेदारी को लेके जागरूक हो तो हम आज के ये जो पेंडेमिक का खौफ है ना, इसे शायद कहीं ना कहीं थोड़ा कम कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने कोविड से रिलेटेड जो मुझे जानकारी थी एज ए ले मैन अगेन, जो मैंने आपसे शेयर किया है वो आपको ज़रूर हेल्प करेगा। और आप, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी अपने फ्रेंड सर्कल में और जो भी मतलब आपको लगे कि इसको बताने से फ़ायदा है तो आपको मतलब ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर बतानी चाहिए। और बेसिकली कोविड से डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टाइमली एक्शन लेने की ज़रूरत है। और ऐसा नहीं है कि ये बीमारी मतलब जानलेवा है, और ऐसा भी नहीं है कि भी बड़ा कैजुअली होके कि हम तो जी होम क्वारंटीन होके ठीक हो जाएंगे। बहुत सारे लोग अपनी लंग्स को ऐसा डैमेज कर चुके हैं, और मैं बहुत क्लोजली ऐसे बहुत से लोगों से मिल चुकी हूँ जिनका मतलब 20 डेज से वो इन्फेक्टेड थे और ऑलरेडी वो कोविड नेगेटिव हो चुके थे, लेकिन उन्हें अप्रोप्रिएट टाइम पे स्टीरॉयड नहीं दिया गया। उनको इतनी ब्रेथलेसनेस है, वो 5 सेकंड के लिए भी अपनी मतलब जो हमारा सांस है उसे होल्ड नहीं कर पाते, जो कि हमारे लंग्स की कैपेसिटी को मतलब बताता है कि हमारे लंग्स हैं जो कितनी स्ट्रेंथ है उनमें। तो मतलब इससे साफ पता लगता है कि ब्रेथलेसनेस, वीकनेस, ड्राउजीनेस, और मतलब कोविड का जो जब जैसे कोई अगर कोविड इन्फेक्टेड है ना, अगर उसे बहुत स्लीपलेसनेस फील हो रही है, बहुत वीकनेस फील हो रही है, तो वो भी एक इंडिकेशन है लंग्स का के इन्फेक्टेड होने का। और इसमें मतलब BP फ्लक्चुएशन होना, शुगर फ्लक्चुएशन होना, ये सब बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं। तो मतलब जो लोग शुगर पेशेंट्स हैं उन्हें डॉक्टर्स के, डायबिटिक वाले जो पेशेंट्स हैं, डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट्स हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जो डेक्सामेथासोन है वो उसे डॉक्टर के सुपरविजन में लें, क्योंकि उससे मतलब शुगर लेवल रेज होता है, लेकिन वो भी टेम्परेरी होता है। तो हमें बेसिकली ये नहीं सोचना कि हम घर में बैठ के ठीक हो जाएंगे, हमें इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है। और पोस्ट कोविड केयर जो है वो हमें एक नॉर्मल जीवन व्यतीत करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज़ ये लंग्स की फायर हमें अंदर ही अंदर घुन की तरह खाती रहेगी, और हमें बाहर ये लगता रहेगा कि हमें वीकनेस है, हमें वीकनेस है। मैं बात करना चाहूँगी डॉक्टर अशोक जैनल के बारे में, जो कि बेसिकली हैं तो इंडियन लेकिन लंदन में ही सेटल्ड हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि कोविड के टाइम पे डॉक्टर्स की फ्रेटर्निटी कितनी बिजी है, डे एंड नाइट ये वर्क कर रहे हैं। और मैंने इंडिया में रहते हुए भी, जबकि इंडिया और लंदन की टाइमिंग में मतलब ऑलमोस्ट 5 आवर्स का गैप है, लेकिन इनको दिन में, रात में, किसी भी समय में मतलब किसी भी कोविड पेशेंट से रिलेटेड जब भी मैंने हेल्प मांगी है तो इन्होंने हमेशा अपना 100% दिया है। मतलब हमें डॉक्टर अशोक जैनल जैसे डॉक्टर्स की ज़रूरत है, जो इतना सेल्फलेस तरीके से सोसाइटी को उन्होंने अपना पूरा जीवन ही दे दिया है, और वो हर एक पेशेंट को इतना पर्सनली मॉनिटर करते हैं कि शब्दों में मतलब उनकी शख्सियत को बयां करना आसान नहीं है। तो बेसिकली इवन डॉक्टर सुधीर त्यागी, जो कि बहुत ही बिजी डॉक्टर हैं, वैसे सभी डॉक्टर्स बहुत बिजी हैं, बट इनमें जो जज्बा है ना वो काबिले तारीफ है, कि हर समय वो अपने पेशेंट्स को लेके और दिल से मतलब दिमाग के साथ साथ दिल से भी ट्रीट करते हैं। तो हमारी सोसाइटी को इसी तरीके के डॉक्टर्स की ज़रूरत है, जिस तरीके से डॉक्टर सुधीर त्यागी, डॉक्टर अशोक जैनर, जो कि सेल्फलेसली सोसाइटी के लिए अपने जीवन को दिए हुए हैं। जाहिर है वाउज का ये प्रयास गरीब और असहाय महिलाओं और बच्चों को एक नया जीवन प्रदान कर रहा है, और ऐसे प्रयास को जितना हो सके बढ़ावा मिलना चाहिए।